हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए 20 डे का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले थे रीजनिंग और मैथ का तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। रीजनिंग का मैंने आज से स्टार्ट कर दिया, इसकी ये पहली वीडियो है। तो आपको ये रेगुलर वीडियो देखनी है और ये RPF SI कॉन्स्टेबल और ALP CBT 2 के लिए भी है। तो आपको ये सारी वीडियो सीरियसली देखनी है। प्लेलिस्ट मैं इसकी बना दूंगा, सभी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। आप टाइमिंग नोट कर लीजिए कब कब आपको वीडियो मिलेगी। करंट अफेयर की वीडियो सुबह 7 बजे मिलेगी, रीजनिंग की वीडियो आपको 3 बजे मिलेगी और मैथ की वीडियो आपको 9 बजे मिलेगी। अगर आप चाहते हैं सारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये टेस्ट अवेलेबल हैं, 20 टेस्ट 120 रुपीज़ में। लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप यहां से जाके परचेज करके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो इस कोड को भर के आप 20% का यानी कि 30 रुपीज़ का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक तो आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस के साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहला और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और आशा करता हूँ कि आप इसका सभी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, जो भी क्वेश्चन आपसे आते होंगे तो उनका आंसर, सही जो आंसर आपका आएगा उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है लैम्प, तेल, बल्ब। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसका किसके साथ में रिलेशन होगा। देखिए, जैसे आपका लैम्प है तो लैम्प जो जलता है वो किससे जलता है, तेल से जलता है। तो बल्ब किससे जलता है आपका, ये आपका देखिए धारा, चमकदार, होल्डर, स्विच। तो यहाँ पे धारा से ही तो जलेगा, तो ऑब्वियसली आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो जल्दी से ट्राई करिए, उसका राइट आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने इसका राइट आंसर कर दिया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई अगर मैं 13 में कर दूँ तो ये 156 बन जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई 13 में कर दें, यानी कि नेक्स्ट नंबर में कर दी हमने 12 और 13 की मल्टीप्लाई। फिर उसी तरीके से आपको 140 की मल्टीप्लाई भी 13 में करनी है, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए, अगर मैं 140 की मल्टीप्लाई 13 में करूँगा तो कितना आएगा, देखिए कैलकुलेट करके 1820 आएगा, ठीक है। तो 1820 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1820 इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे, ये कुछ तो इसमें से रिपीटेड होंगे जो ऑलरेडी पूछे जा चुके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और कुछ उनके आधार पर लिए गए होंगे। तो सारे क्वेश्चन को सीरियसली लगाइएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा 1820 कहाँ से आया, 12 की मल्टीप्लाई 13 में की, फिर 140 की मल्टीप्लाई 13 में हमने कर दी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से ट्राई करिए। ये आपका एक किस्म से टेस्ट भी है, अगर आप वीडियो को रोक करके ट्राई करके आंसर देते हैं तो आपका टेस्ट बन जाएगा, अदरवाइज आप रेगुलर देखते रहिए तो आपके वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 3 का आपका राइट आंसर क्या है। देखिए, 23 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूँ तो कितना बन जाएगा, 13। 23 में से 10 को माइनस किया तो 13 बन गया। 54 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 44। तो 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है भाई। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके। अब मैं इन क्वेश्चंस को करा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में दे दिए जाए तो यही आपको हार्ड लगने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा, कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप सारी वीडियोज़ को नहीं देखते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बिल्कुल सिंपल सी मिल गई होगी क्या चल रहा है इसमें। ए एफ के पी को क्या लिखा गया है, बी एच एल आर, कैसे लिखा गया है, +1। भाई, ए में हमने +1 किया तो बी बन गया, एफ में +2 किया तो एच बन गया, के में +1 किया तो एल बन गया, पी में +2 किया तो आर बन गया, यानी कि +1 +2 +1 +2 इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है। तो इसी तरीके से जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे सी में +1 करेंगे तो डी बन जाएगा, एच में +1 करेंगे तो आपका जे बन जाएगा, ठीक है। एम में +1 करेंगे क्योंकि +2 हो चुका है तो एन बन जाएगा, और फिर आर में +2 करेंगे तो आपका टी बन जाएगा। तो डी जे एन टी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये डी जे एन टी देख लीजिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्राई करिए। आशा करता हूँ कि आपका इसका राइट आंसर बिल्कुल आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने राइट आंसर कर दिया होगा। देखिए, जैसे हृदय के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, हृदय के विशेषज्ञ को। वर्क
को क्या बोलते हैं? उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है? नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके 4-5 क्वेश्चन हैं 6 से 10 तक, इनमें आपको भिन्न निकालना है, ओड वन आउट बताना है कि इन चारों, जैसे चार ऑप्शन लिखे हैं, चारों ऑप्शन में से तीन तो एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, बट एक होगा वो भिन्न होगा इनसे, ठीक है? तो वो आपको बताना है, और इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, PRSU SUWY, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है HJLN, ऑप्शन डी CEGI। तो इसमें क्या देखा जाए कि आपका अलग है? देखिए अगर मैं ऑप्शन वन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन वन में पी से आर में कितना डिफरेंस है? PQR यानी कि 2 का है, ठीक है? आर से एस में +1 है ओनली, एस से यू में फिर +2 है, ठीक है? फिर इसमें अगर मैं बात करूँ तो +2 का है, फिर इसमें मैं बात करूँ +2 है, और इसमें भी +2 है, इसमें +2 है, जे से एल में भी +2 है, एल से एन में भी +2 है, सी से ई में भी +2 है, ई से जी में +2 है, जी से आई में +2 है। आपने एक चीज नोट की कि इन तीनों में तो +2 चल रहा है, बट इसमें +2 +1 +2 चल रहा है, यानी कि यही आपका भिन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने आने चाहिए। अब इनका क्या आप यूज कर सकते हैं इसमें, क्या आप ट्रिक लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसमें कोई फॉर्मूला यूज करके ट्रिक में डालेंगे और ये आंसर निकल जाएगा। इसमें आपको सभी अल्फाबेट के नंबर्स याद होने चाहिए, अगर वो याद हैं तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, और वही ट्रिक है समझ लीजिए, वही ट्रिक है, और ट्रिक का भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको ए से एम तक, एम के नीचे जेड, जेड सॉरी एन, एन एन से जेड तक, इस तरीके से पूरी सीरीज को लिखना है, और उसके बाद आपको ट्राई करना है। देखिए अब अगर आप इस तरीके से सीरीज को पूरी को लिख लेते हैं, इस सीरीज को लिखने का मतलब है आपका कि इसमें आप नंबर डाल देंगे 1 2 3 4, तो इसमें आपको 1 2 3 तो पता चली जाएंगे, इनके अपोजिट वर्ड भी पता चल जाएंगे, ठीक है? ए के अपोजिट जेड होता है, जैसे एम का अपोजिट एन होता है, तो इसी तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा किसी रफ पेपर पर, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको बताना है टमाटर आलू गाजर प्याज में कौन सा भिन्न है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गाजर लगा सकते हैं क्योंकि प्याज आलू टमाटर सारे गोल होते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखनी है, आलू भी आपका जमीन के अंदर होता है, गाजर भी आपका जमीन के अंदर होता है, और प्याज भी आपका जमीन के अंदर होता है, बट टमाटर आपका जमीन के अंदर नहीं होता है, तो यहाँ पे टमाटर भिन्न हो जाएगा इसमें, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल है, मतलब बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो केवल जो ऑप्शन वन है वही 125 जो लिखा है ये पूर्ण घन संख्या है, और बाकी आपका देख लीजिए कोई सा भी घन संख्या नहीं है पूर्ण घन संख्या, तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन ए ही आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है भाई? तो बिल्कुल भी मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आशा करता हूँ कि ट्राई कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, इसमें क्या लिखा है? चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपका एक भिन्न होगा, मतलब एक अलग होगा, तीन चीजें सेम होंगी। तो अब देखिए इनमें से, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर बताइए जल्दी से। माउंट जो सॉरी माउथ आर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड, सोनाटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये कीबोर्ड भी आपका एक मतलब आपका फिजिकली वो है, ठीक है? इलेक्ट्रिक गिटार भी है, माउथ आर्गन भी है, बट यहाँ पे अगर सोनाटा की बात कीजिए, सोनाटा एक आपकी देखा होगा कंपनी है, जिसकी आपने देखा होगा ब्रांडेड घड़ी जो आती है सोनाटा की, ठीक है? सोनाटा के वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बट ये एक ब्रांड है, ठीक है? तो ये इनसे भिन्न हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपको भिन्न देखना है, ये नहीं देखना कि ये माउथ ऑर्गन लिखा है तो यार ये तो बिल्कुल अलग हो गया। थोड़ा सा आपको डिटेल में भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें किसके बारे में बात की जा रही है, और क्या हमें यहाँ पर राइट आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करिए, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर भी लिया होगा, राइट आंसर भी कर दिया होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसमें क्या है कि सभी के सभी ऑप्शन बी को छोड़ के सभी 9 के गुणांक हैं, ठीक है? 9 के मल्टीपल है, 9 खुद का तो हो जाएगा, 18 का भी हो जाएगा, 27 का भी हो जाएगा, 9 3 27, ठीक है? बट 35 नहीं है, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो भिन्न वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, एनालॉगी भी। नेक्स्ट चलते हैं,
और देखिए दोस्तों, इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं? टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा टॉपिक स्टडी, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूँगा। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाती है, तो 11 में आपका क्या चल रहा है? 5 से 6 के बीच में कितना डिफरेंस है भाई? 1 का डिफरेंस है। 6 से 9 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का है। तो इससे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे प्लस 1 चल रहा है, यहाँ पे प्लस 3 चल रहा है। फिर 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का? 2 का है। तो इसका मतलब 2 का डिफरेंस चल रहा है, जो भी नंबर हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस 3 कर दिया, नेक्स्ट आपका प्लस 6 हो जाएगा। सॉरी प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस चल रहा है ना। तो यहाँ पे प्लस 1 प्लस 3 होगा, तो इसका मतलब 3 और इसके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट आप 2 प्लस करेंगे तो 5 प्लस हो जाएगा। 5 से में 2 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट आपका क्या प्लस हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका 7 प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्या होगा? 7 से 2 बढ़ाएंगे यानी कि 9 हो जाएगा, और 9 प्लस करेंगे 21 में तो कितना हो जाएगा आपका? 30, यानी कि ऑप्शन 30 राइट आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही इजी जिसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन आपके स्पेशली आरपीएफ के लिए हैं, आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आरपीएफ के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बहुत सारे, तो इसमें ठीक है। तो रेलवे का पैटर्न इतना ही रहता है, आप ये मत समझिए कि मैं एसएससी सीजीएल या फिर बैंकिंग की रीजनिंग आपको करानी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि वो इतना हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। बस आप इतना भी अगर कर लेते हैं तो आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता है, एक दो क्वेश्चन ऐसा घुमा फिर आपका आ सकता है। ठीक है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देखें, इनको ही करिए, अच्छे से ट्राई करिए। सबसे पहले तो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने टिक लगाया, आप वीडियो पे एकदम पोज कर दीजिए, ट्राई करिए अब इसको, उसके बाद देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 12 की मैं बात करती हूँ, तो एक सीरीज फॉलो हो रही है इसमें। देखिए, जैसे डी से एफ तक आने में कितना समय पूछ रहा हूँ, कितना जोड़ना पड़ेगा? 2, तो 2 प्लस हो गया। F से H में भी प्लस 2 हो जाएगा, H से J में भी प्लस 2 हो जाएगा, और J से नेक्स्ट हम प्लस करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा? L, यानी कि हमारा पहला नंबर मिल गया हमको L। फिर K से L J तक जाने में कितना लगेगा भाई, कितना डिफरेंस आएगा? ये डिफरेंस आएगा 1 का, और वो भी माइनस 1 का, यानी कि जे के, यानी कि के पहले सॉरी जे पहले आता है, तो के में से 1 माइनस करेंगे, तो जब जे आएगा तो माइनस 1 का चल रहा है। फिर नेक्स्ट भी आपका माइनस 1 वाली सीरीज चलेगी, माइनस 1 तो आई, माइनस 1 तो आपका एच, एच में से माइनस 1 करेंगे तो आपका जी आ जाएगा। ठीक है, फिर एल सॉरी वाई की मैं बात करता हूँ, तो वाई में और डब्ल्यू में कितना डिफरेंस है भाई? माइनस 2 का, तो माइनस 2 हुआ, नेक्स्ट भी आपका माइनस 2 हो जाएगा, नेक्स्ट भी आपका माइनस 2 हो जाएगा, तो एस में से माइनस 2 करेंगे यानी कि 2 पीछे जाएंगे तो आपका क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा। एल जी क्यू, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो एल जी क्यू आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से ट्राई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करिए। तो आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सी डी एफ, ठीक है, तो सी डी एफ को अगर मैं यहाँ पे सीरीज बनाऊँ तो इसकी क्या आएगा? सी और डी के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का, तो प्लस 1 कर दिया। डी से एफ के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का, तो प्लस 2 कर दिया। और नेक्स्ट एफ और डी के बीच में डिफरेंस कितना है भाई? माइनस 2 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी पहले आता है ना, तो माइनस 2। तो क्या सीरीज चली आप यहाँ तक? 3 स्टेप आपने चले, 3 में क्या समझा आपने? प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2। तो नेक्स्ट फिर स्टार्ट कर दीजिए, प्लस 1 प्लस 2 फिर माइनस 2, तो बिल्कुल सही चल रहा है। फिर प्लस 1 प्लस 2 फिर आपका आएगा माइनस 2, तो H में से माइनस 2 करेंगे तो क्या बचेगा? F, और नेक्स्ट आप F में प्लस 1 करेंगे तो G, G में प्लस 2 करेंगे तो I, तो एफ जी आई, यानी कि एफ जी आई आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एफ जी आई आपका राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से ट्राई करिए, एग्जाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, 14 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है उसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो सीरीज आपको पता चलेगी चल जाएगी तो आप निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन में क्या करना है, 6 और 16 का डिफरेंस कितना है भाई? 6 और 16 का डिफरेंस है 10 का। 10 का डिफरेंस कितने तरीके से है? तो डायरेक्ट प्लस करके बन सकता है। अगर डायरेक्ट प्लस करके बन सकता तो आगे भी आपका वही सीरीज, बट सीरीज बहुत इंक्रीज हो रही है, तो सीरीज इंक्रीज हो रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ या तो मल्टीप्लाई चल रहा होगा या फिर अलग अलग नंबर ऐड होते चल रहे होंगे। तो आप यहाँ पे एक काम करके देखते हैं, यहाँ पे 6 दुनी 12, 12 प्लस 4 16,
यानी कि ये भी तो सीरीज चल सकती है, 6 दूनी 12, 6 की मल्टीप्लाई 2 में की प्लस 4 कर दिया। बट फिर नेक्स्ट हमने ट्राई किया 16 दूनी 32, 32 में कितने प्लस करें 8, जो अगर 40 बन जाए तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई 2 की तो चल रहा है, बट यहाँ पे जो प्लस वाला सिस्टम है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए मल्टीप्लाई 2 किया 6 दूनी 12 प्लस 4 तो कितना हो गया 16। फिर नेक्स्ट हमने किया 16 दूनी 32 प्लस 8 कर दिया, यानी कि 4 से 8 बढ़ा, तो इसका मतलब 4 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लस कितना होगा, 12 होगा, तो यहाँ पे 40 में 2 की मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80। 80 में कितने प्लस करने पड़ेंगे 12, क्योंकि 8 के बाद 4 प्लस करके लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी कितना हो जाएगा 96, तो यहाँ पे आ जाएगा 96। भाई सीरीज आप समझ गए ना, सीरीज समझ में आनी चाहिए, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 96 नहीं होगा, 92 होगा यार, ठीक है। 80 में 12 प्लस होंगे ना, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट करके देख सकते हैं, 92 की मल्टीप्लाई 2 में करिए, प्लस उसमें कितने करेंगे 16 प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 200 हो जाएगा, देख लीजिए करके, 200 में मल्टीप्लाई 2 की करेंगे, प्लस कितने करेंगे 20 करेंगे, तो 420 हो जाएगा। 420 में मल्टीप्लाई 2 की करेंगे, प्लस 24 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 864। तो इस तरीके से सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से ट्राई करिए, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें क्या चल रहा है, देखिए माइनस चल रहा है क्योंकि सीरीज घट रही है, माइनस किस तरीके से चल रहा है वो आपको देखना है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करके माइनस करता हूँ तो ये आपका 100 आ जाएगा, यानी कि 1 का डिफरेंस है, मैं 1 भी माइनस बोल सकता हूँ। बट फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ आगे की सीक्वेंस, तो 100 में से कितना माइनस किया जाए कि यहाँ पे क्या बन जाए, अभी वो भी नहीं पता है। फिर मैं यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ कितना होगा 16, यानी कि 87 में से मैंने 16 माइनस किया कितना आएगा 71, ठीक है। फिर मैं 71 में से 25 माइनस करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका 46। अब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कितना 4 का स्क्वायर माइनस हुआ है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस हुआ है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस हुआ, तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर माइनस करूँ कि आपका ये आंसर आ जाए, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर का मतलब है 4, 4 माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस हुआ तो 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा तो 100 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 96 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस तो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 16 यानी कि 71 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस करेंगे 46 हो जाएगा, यानी कि 96 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी आंसर समझ में आ गया होगा, ऐसे हुआ है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। और इन सभी टेस्ट को आप परचेज करके टेस्ट सीरीज लगा के अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।